कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आप में से बहुत लोगों ने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो मैंने सोचा आज चलिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। एज वी नो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मीडिएटर बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक मीडिएटर की तरह होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। यूज़र से मतलब हम लोग, हार्डवेयर मतलब हमारा कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम को बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन लेवल लैंग्वेज आता है और हमें हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम जो भी कहना चाहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर सिस्टम नहीं समझेगा, और वो जो भी बाइनरी लैंग्वेज में यानी मशीन लैंग्वेज में बोलेगा हम नहीं समझेंगे। तो इसी दोनों यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, मीडिएटर का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो मुझे हिंदी आता है और आपको इंग्लिश आता है, लेकिन आपको हिंदी नहीं आता है। ठीक है, तो अभी मुझे आपसे बात करना होगा या फिर आपको मुझसे बात करना होगा, तो बीच में ऐसे पर्सन को हमें लाना होगा जिसे हिंदी इंग्लिश दोनों आता होगा। जैसे ही मैं हिंदी में बोलूँगा वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, आप इंग्लिश बोलेंगे तो वो हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे समझाएगा। तो बस यही काम ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है। हम जो भी हाई लेवल में कमांड देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सिस्टम को देता है, और सिस्टम का मशीन लेवल लैंग्वेज के कमांड को हाई लेवल में कन्वर्ट करके हमें समझाता है। यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए एक एक करके इन सभी को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला टाइप है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम विल वर्क टू सबमिट सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब टुगेदर। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर तरह के जितने भी जॉब होते हैं उन्हें सबमिट करता है, एक जगह सबमिट करता है, कलेक्ट करता है। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र डोंट इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ आवर कंप्यूटर सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो यूज़र होता है ना, यानी हम लोग, हम डायरेक्टली अपने कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप हमारे फिगर को देखो, इसमें मैं सेम चीज़ को आपको बताऊँगा जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ के दिखाया। मान लो यहाँ पे 5 यूज़र्स हैं, ठीक है, ये 5 यूज़र्स हो गए, और इन 5 यूज़र्स का जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, 4, 5 करके रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये अपने रिक्वायरमेंट को परफॉर्म कराना चाहते हैं सीपीयू की मदद से। तो सबसे पहले ना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक ऑपरेटर होता है। यहाँ पे देख लो, ये ऑपरेटर क्या करता है, सबसे पहले जितने भी यूज़र हैं उनके सभी जॉब को ये कलेक्ट करेगा। उसके बाद ये देखेगा कि कितने ऐसे यूज़र हैं जिनका रिक्वायरमेंट सेम है। जैसे यहाँ पे देखो, जॉब 1, जॉब 3 सेम था, यानी इसका रिक्वायरमेंट, इस यूज़र का रिक्वायरमेंट और इस यूज़र का रिक्वायरमेंट सेम है, ऑपरेटर ने देखा। तो इनके लिए एक सेपरेट बैच बनाया इसने और सीपीयू को सबमिट कर दिया एग्जीक्यूट करने के लिए, ये जो भी काम करवाना चाहते थे। उसके बाद ऑपरेटर ने देखा और ऐसे कितने यूज़र हैं जिनका रिक्वायरमेंट सेम है। तो यहाँ पर उसने देखा ये वाला यूज़र, ये वाला और ये यूज़र, इन तीनों का रिक्वायरमेंट सेम है, तो इनके लिए एक अलग बैच बनाया। यानी सिमिलर काइंड ऑफ जॉब के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अलग अलग बैच बनाता है ऑपरेटर की मदद से और सीपीयू को सबमिट करता है। तो यहाँ पे देखो, यूज़र यहाँ है और सीपीयू यहाँ है, बीच में देखो कितने 2 स्टेप हैं, यानी हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे अपने सिस्टम से। तो यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो ये जो यूज़र है इसका सी लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट है और इसका भी सी लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट है, तो इसका एक अलग बैच बन गया और इसका जो भी सी लैंग्वेज का कोड है उसे ये एग्जीक्यूट करने के लिए दे दिया सीपीयू को यानी प्रोसेसर को, और इन यूज़र का सी प्लस प्लस में रिक्वायरमेंट है, तो इन तीनों का रिक्वायरमेंट सेम है, तो इनका एक अलग बैच बना और एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोसेसर में हम सबमिट कर दिए। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है, सिमिलर तरह के जॉब को ऑपरेटर कलेक्ट करता है, उनका एक सेपरेट बैच बनाता है और प्रोसेसर को सबमिट कर देता है जो भी काम ये करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये फिगर हो गया, फिगर ध्यान से बनाना एग्ज़ाम में, फिगर में ही नंबर मिलता है। इसका एडवांटेज क्या होता है? इट इज़ यूजफुल व्हेन वी वर्किंग विथ लार्ज फाइल्स,
विच कैन टेक मोर टाइम टू एग्जीक्यूट। अगर आप किसी बहुत बड़ी फाइल में काम कर रहे हैं और उस फाइल को एग्जीक्यूट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, तो उस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जा सकते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम लार्ज फाइल के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत बड़ी फाइल है, उसे एग्जीक्यूट कराना है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट होता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? वंस द जॉब इज सबमिटेड द यूज़र डिड नॉट हैव एनी इंटरेक्शन विथ इट। यहाँ पे फिगर में देखो, मान लो यूज़र अंकुश और यूज़र अंकित दोनों का रिक्वायरमेंट सेम था, जॉब वन जॉब थ्री। तो एक बार अगर ये जॉब वन जॉब थ्री बैच बन के सबमिट हो गया ना, तो ये दोबारा कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर ने बैच बना दिया है, ऑलरेडी सबमिट करने के लिए प्रोसेसर को दे दिया है। तो ये डिसएडवांटेज होता है इसका। तो अभी चलिए हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंड टाइप बताते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सेकेंड टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप का। ये क्या होता है? द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क विथ टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट। जैसा कि इसका नाम ही देखो, टाइम शेयरिंग मतलब ये टाइम को शेयर करेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है? टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट पे काम करता है। हेयर द CPU विल प्रोवाइड अ सेम टाइम पीरियड टू ईच एंड एवरी प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस होंगे ना, CPU सभी को सेम टाइम पीरियड प्रोवाइड करेगा टू कम्प्लीट इट्स टास्क एज सून एज पॉसिबल, वेदर इट इज़ लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस। फिर चाहे वो लॉन्ग प्रोसेस हो या फिर शॉर्ट प्रोसेस हो, CPU क्या करेगा? सभी को सेम टाइम पीरियड प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारे इस फिगर को देख लो, यहाँ पे प्रोसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 प्रोसेस है और ये CPU है। तो ये CPU ना सभी को 10 सेकेंड टाइम प्रोवाइड कर रहा है, इक्वल टाइम अपने काम को करने के लिए। तो इसमें मान लो प्रोसेस 1 जो है, इसका जो शॉर्ट प्रोसेस है, मान लो इसका काम काफ़ी कम है, तो इसने 10 सेकंड इसको टाइम CPU दिया, इसने 2 सेकंड में अपने काम को कंप्लीट कर लिया। तो अभी क्या होगा? इसका जो 8 सेकंड बचा है ना, CPU इन पांचों में बांट देगा, उस 8 सेकंड का इनका टाइम इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन सभी को टाइम बराबर दिया गया। मान लो ये प्रोसेस 2 है, इस प्रोसेस 2 को अपने काम को करने के लिए 20 सेकंड लग रहे, लेकिन इसे 10 सेकंड दिया गया है, तो 10 सेकंड सभी को दिए जाएंगे, फिर चाहे वो शॉर्ट प्रोसेस हो या फिर लॉन्ग प्रोसेस हो। रियल लाइफ एग्जांपल, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लो ये एक इंसान है, इसका 2 सन है, एक का ईयर है 2 ईयर और एक सन का ईयर है 4 ईयर, ठीक है, इसके 2 सन है। तो अब ऐसा नहीं कि ये जो इंसान है अपने बड़े वाले सन को 2 टाइम्स ज़्यादा प्रायोरिटी देगा छोटे वाले सन के मुकाबले, नहीं, ये दोनों को सेम प्रायोरिटी देगा, क्योंकि दोनों इसके सन है, भले एक का ईयर 2 ईयर हो एक का 4 ईयर हो। तो सेम CPU भी यहाँ पे इसी इंसान का जैसा काम करेगा। अगर मान लो ये छोटा सा टास्क परफॉर्म कराने आया है, ये बड़ा टास्क परफॉर्म कराने आया है, तो CPU क्या करेगा? दोनों को सेम टाइम देगा, इसको भी 10 सेकंड देगा, इसको भी 10 सेकंड देगा। यही होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? CPU सभी प्रोसेस को अपना काम करने के लिए सेम टाइम प्रोवाइड करता है। इसका एडवांटेज क्या है? इफ़ द प्रोसेस ऑफ अ टास्क इज कम्प्लीटेड देन द टाइम बिटवीन द अदर टास्क इंक्रीजेस। मान लो यहाँ पे प्रोसेस 1 अपने काम को ना 2 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, तो इसका जो 8 सेकंड बचा है वो इन सभी को बांट दिया जाएगा CPU की मदद से, और इनका टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ये एडवांटेज हो गया। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है? समटाइम्स इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे फिगर में देखो, कभी कभी क्या होता है ना, इसमें डेटा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। मान लो ये प्रोसेस 3 है, ये कुछ टास्क लेके आया है CPU में परफॉर्म करने के लिए, तो कभी कभी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ये काफ़ी रेयर केस में अकर होता है। तो ये हो गया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका फिगर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। अभी चलो हम आपको टाइप 3 बताते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नंबर 3 है। ये क्या होता है? When many computers are interconnected to each other through a network for the purpose of sharing their task, then it is called distributed operating system. जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो अपने टास्क को शेयर करने की पर्पज़ से, तो उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस फिगर को आप देखो, हमारे पास एक नेटवर्क है और इसी नेटवर्क से देखो ये चारों कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं। तो ये नेटवर्क से कनेक्ट है, सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो ये अपने
टास्क को शेयर कर सकते हैं आपस में। मान लो इसके पास कोई सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नेटवर्क से कनेक्टेड है। लेकिन ये अपने टास्क को शेयर कर सकते हैं लेकिन हार्डवेयर कंपोनेंट को शेयर नहीं कर सकते, जैसे सीपीयू और इनका जो भी मेमोरी होगा। सीपीयू और मेमोरी छोड़ के ये आपस में सभी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपका सिस्टम अलग अलग लोकेशन में भी रहेगा तो नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, और सेम लोकेशन में भी अगर है तो नेटवर्क आप बना के कनेक्ट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, इफ़ अ नोड इज़ ओवर यूज्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर्स दैट नोड टू अदर नोड ऑफ द नेटवर्क। मान लो ये एक नोड है, ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, इसके पास हद से ज़्यादा काम है करने के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसमें नेटवर्क से सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, तो इसके काम को, इसके बोझ को कम करने के लिए ये क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके आधे काम को इसके द्वारा भी करवा देता है, कभी कभी इसके द्वारा भी, यानी इसके लोड को ये कम कर देता है, इन सभी से भी इसके काम को करवाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा एडवांटेज है, इस लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इफ़ द नेटवर्क इज स्प्रेड कम्युनिकेशन ऑफ ऑल कंप्यूटर इज़ ब्रोकन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो एक नेटवर्क से सारे सिस्टम कनेक्टेड है, अगर मान लो ये नेटवर्क ही फेल हो जाता है, ये नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो गया, तो इन कंप्यूटर सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन का जो एक माध्यम था ये नेटवर्क, वो टूट जाएगा, अब ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे आपस में, तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। तो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप नंबर 4 है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप का, ये क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ सर्वर दैट कनेक्ट्स मेनी अदर क्लाइंट कंप्यूटर्स। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक सर्वर होता है जिससे बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, सो वी कैन ईजिली शेयर आवर फाइल्स, रिसोर्सेस एंड मैनी मोर फ्रॉम दिस सर्वर मशीन टू ऑल द मशीन विच आर कनेक्टेड थ्रू अ सर्वर। तो इससे क्या होता है कि इस फिगर को आप देखो, यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया सर्वर, सर्वर मतलब ये हमारा मेन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, और इसी सर्वर से देखो बाकी के कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले सर्वर का 3 काम होता है, सबसे पहला काम होता है स्टोरेज प्रोवाइड करना, सेकेंड काम होता है बैकअप प्रोवाइड करना, और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सिक्योरिटी देना। ये 3 काम होता है सर्वर का। तो यहाँ पे सर्वर से ये सिस्टम कनेक्टेड है ना, तो हमें एडवांटेज क्या मिलेगा, मान लो इसके पास कोई फाइल था डिलीट हो गया, तो ये क्या करेगा सर्वर से मंगा सकता है, अगर मान लो सर्वर के पास नहीं है तो सर्वर क्या करेगा, इसके पास अगर है तो सर्वर इससे मांगेगा और इससे मांगने के बाद इसको दे देगा। तो सर्वर यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी मीडियम बन रहा है, इन सभी को एक सर्वर से हम कनेक्ट किए हुए हैं, तो इसी सर्वर के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं। तो ये होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे एक सर्वर होता है जिसे हम मेन कंप्यूटर कहते हैं, और उसी से बहुत सारे क्लाइंट सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी एंड वी नीड टू अपग्रेड ओनली सर्वर मशीन। ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी क्यों, क्योंकि सर्वर होता है, यहाँ पे सर्वर सिक्योरिटी भी देता है, और हमें सिर्फ इसी सर्वर मशीन को ही अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। अगर हम इसको अपग्रेड कर देंगे ना, जितने भी सिस्टम इस सर्वर से कनेक्टेड है वो सभी अपने आप अच्छे से काम करने लगेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको भी अपग्रेड करें, इसको इसको सभी को पर्टिकुलर जाके अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सर्वर को अच्छे से अपग्रेड करिए, उसे मेंटेन करिए, बाकी आपका जितने भी सिस्टम सर्वर से कनेक्टेड हो बढ़िया से चलते रहेंगे। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, यहाँ पे जान लो, इफ़ सर्वर मशीन इज़ क्रैश्ड देन ऑटोमेटिकली द इंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। फिगर में आते हैं, अगर मान लो ये सर्वर मशीन हमारा क्रैश हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है किसी भी वजह से, ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो जितने भी सिस्टम इस सर्वर से कनेक्टेड थे ना, ये पूरा नेटवर्क जो बन रहा था, ये पूरा नेटवर्क भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि अभी सर्वर ही नहीं है जिसके मीडियम से ये कम्युनिकेशन कर रहे थे। तो ये हो गया डिसएडवांटेज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। अभी चलिए हम आपको अगला टाइप बताते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप नंबर 5 है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप का। ये क्या होता है, इसका नाम ही देखो रियल टाइम, ठीक है,
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल वेयर वी रिक्वायर्ड अ क्विक रिस्पॉन्स। मान लो आप कोई कंप्यूटर सिस्टम को कमांड दिए हैं और आपको एकदम मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स चाहिए, तब आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। आप जैसे कोई इनपुट देंगे, फट से आउटपुट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिसाइल सिस्टम्स, वेयर द मिसाइल हैज़ टू बी लॉन्च्ड एट अ सर्टेन टाइम, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज साइंटिस्ट लोग करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। मान लो कोई मिसाइल वो लॉन्च कर रहे हैं, तो उन्हें एक एक मिली सेकेंड की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो भी तुरंत चाहिए होगी कि मिसाइल कहाँ पे जा रहा, कितने दूर गया है, इन सभी इंफॉर्मेशन को चाहिए होगा। तो रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। हॉस्पिटल में भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं बॉडी के इंटरनल पार्ट का, तो उन्हें भी हर एक सेकेंड की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो भी तुरंत, तब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ भी यूज़ होता है। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम CPU प्रोवाइड्स मैक्सिमम एफर्ट टू इट्स टास्क विथ क्विक रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि CPU ना पूरा जान लगा देता है, उसके पास जितना भी रिस्पॉन्स का एफर्ट प्रोवाइड करने का क्षमता होता है वो सभी प्रोवाइड कर देता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो भी क्विक रिस्पॉन्स के साथ। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज आप जान लो। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ क्विक रिस्पॉन्स। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। हैंस जनरली यूज इन साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, नासा एंड मैनी मोर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नासा, इसरो, इन सभी जगह में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्स काफ़ी जल्दी चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स इन्हें चाहिए, ठीक है, पल पल की इंफॉर्मेशन चाहिए। इसीलिए इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी कॉस्टली। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। ये महंगा इसलिए होता है क्योंकि इसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। टाइप्स क्या होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप भी होता है। पहला होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 5 ऑपरेटिंग सिस्टम का, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी यहाँ पे देखो टाइप नंबर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक सिस्टम रहेगा लेकिन CPU मल्टीपल रहेंगे। मान लो यहाँ पे एक सिस्टम है और यहाँ पे 4 CPU है इस अकेले एक सिस्टम के लिए, उसी को कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें एक ही प्रोसेसर होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल प्रोसेसर होंगे, इसीलिए इसका नाम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप नंबर 7 है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें क्या होता है, आप मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग अदर टास्क। टाइप नंबर 8 होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पूरा होता है, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कराने के लिए प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।